कि आप देखिए कि पहले क्या था और भाजपा के सरकार के बाद गुजरात में कैसे विकास हुआ है। लगातार डेवलपमेंट का काम, और मैं 2017 में आया था और 2022 में आ रहा हूं, सड़कें चौड़ी चौड़ी दिख रही कि नहीं दिख रही। योजनाएं जो हर घर नल का जल पहुंचे, अब पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, जरा हाथ उठा के बताइए। गैस का कनेक्शन उज्ज्वला योजना आपके घर तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? ऐसी सैकड़ों योजनाएं। आज हमारा मंत्रालय एकलव्य मॉडल स्कूल के साथ साथ विदेश में पढ़ने वाले आदिवासी बच्चों को ओवरसीज स्कॉलरशिप दे रहा है और उसकी लागत लाखों में होती है। पीएचडी की पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, मास्टर्स के लिए, पीजी के लिए, एमफिल के लिए और 150 से अधिक ऐसे संस्थानों में, चाहे वो आईआईटी हो, आईआईएम हो, एम्स हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, उन सारे कॉलेजेस में नामांकन लेने वाले, एडमिशन लेने वाले सभी छात्रों को हम स्वतंत्रता सेनानी के प्रेरणा के साथ भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी गौरव यात्रा में आपके बीच में ये कहने के लिए आए हैं। एक समय था जब आदिवासी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे और एक समय अब आया है कि आदिवासी अपने गांव से लेकर देश को बनाने का संकल्प ले रहा है, देश बनाने के लिए निकल रहा है। यह देश हमारा है, यह देश हम सबका है, यह देश के रहने वाले हम सब हैं। देश है तो हम हैं, यह हमारा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।